श्री राधे राधे। सुबह हो चुकी है, आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि वेदांत के लंच में मैंने क्या बनाया है। वो इसलिए क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे और सेकंड सैटरडे के दिन होती है वेदांत की छुट्टी, इसलिए हम मस्ती कर रहे हैं ना। चीनू और वेदांत दोनों मस्ती कर रहे हैं ना। देखिए चीनू खड़ा हो गया खुद से, डर रहा है, फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ था। आ जाओ दोनों भाई आ रहे हैं। देखो कैसे खेल रहे हैं, शेर बन के खेल रहे हो कि बिल्ली बन गए हो? एक शेर बन गया, एक बिल्ली बन गया है ना चीनू। कहाँ आ रहे हो? टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। देखिए इसे बाहर देखने का मन हो रहा है। चीनू आपको बाहर देखना है, आपको अच्छा लगता है बाहर का माहौल? देखिए कितनी प्यारी हरियाली है, वो इसीलिए बाहर आने के लिए कर रहा है। पटीन है इसलिए मैं उसे आने नहीं दे रही। देखिए ये हमारे घर के जो गेट है, ढाबा बोलते हैं हमारा जो ऊपर का घर बना रहता है, ऊपर से कवेलू का बना हुआ है पूरा। और ये गेट जो है इसकी हाइट बहुत कम है, मैं बाहर से दिखाती हूँ। बंद करके बताओ वेदांत, पहले के ज़माने में जो गेट है ना वो देखिए वेदांत से थोड़े से ही ऊँचे है, छोटे बनाए जाते थे। और पीछे से बताती हूँ, देखिए इतना छोटा गेट है, पहले के गेट बहुत छोटे बनाए जाते थे, ये वेदांत ने इस पे चूना पोत दिया है। देखिए कितने सर छोटे छोटे गेट है, इसका भी कुछ ना कुछ कारण होता होगा। चीनू बाहर ही खेलने के लिए कर रहा है, अंदर उसको उसका मन ही नहीं लग रहा है। हाँ चीनू, वो टाटा बोल रहा है। हाँ राधे राधे, चीनू चीनू राधे 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 राधे। हम ढाबे पे प्याज साफ करने आए थे और लेने भी आए थे, चीनू प्याज से भी खेलने लग गया है ना वेदांत? हाँ, मैंने सारे खराब प्याज छाट रहा। ये ओस गिर गई है सारे दिन पे, इसीलिए ये उगाए हैं, तो इन्हें हटाना पड़ेगा, ये नहीं तो दूसरे प्याज भी खराब कर देंगे। तो ये प्याज है इनको साफ करेंगे तो हम 4 महीने तक ये चल जाएंगे। एक साथ हम कट्टी खरीद लेते हैं और 4 महीने तक चलाते हैं, बारिश बारिश पूरी निकल जाती है उसके बाद भी चल जाते हैं। बस इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इनके छिलके निकालने पड़ते हैं, साफ करना पड़ता है। गांव में अधिकतर ऐसा ही किया जाता है, इकट्ठे ले लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर महंगे भी होते हैं तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और प्याज यहाँ रखे हुए हैं, देखिए ये है, अंधेरा इसलिए उतने साफ से नहीं दिख रहे होंगे पर दिख रहे हैं, तो इनको मैं फैला दूंगी और साफ कर दूंगी और बाकी प्याज ले जा लेंगे। चलो चीनू प्याज उठा लो, चलो लाओ मम्मा को दो प्याज। चीनू खराब प्याज है वो, उसको अलग रख दो। चीनू राधे राधे बोलो, चीनू राधे राधे, चीनू चीनू राधे राधे, राधे 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 राधे। चीनू प्याज नहीं खाओ बच्चा, आपको तिरकी लग जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चीनू चीनू अपने मस्ती में लगा हुआ है, जब तक मैं और भी काम कर लेती हूँ। कमरे की मैंने झाड़ू निकाल दी है, साफ सफाई हो चुकी है, वेदांत और चीनू भी बैठे हैं, दोनों अभी तक खेल रहे हैं। यहाँ हमारे कंडे रखे हुए हैं, इन्हें भी सही तरीके से जमाना है। चीनू छोटा था इसलिए मैं ठीक तरीके से नहीं जमा पाई, और दिवाली के टाइम पर भी मुझे इतना समय नहीं मिला कि इनको अच्छे से जमा पाऊँ। ये चलना भी रखा है, ये सब फसल की चीज़ें हैं, किसानी की चीज़ें हैं, काम की, इनको सबको जमाना है। और यहाँ पर जाम का पेड़ है, इसमें छोटी छोटी जाम लग रही है। यहीं से खेत का प्यारा सा दृश्य देखने को मिलता है, बहुत प्यारा सा। हमारा खेत यहीं से दिखाई देता है, तो मुझे जब भी लगता है कि मैं देखूं चीनू के पापा क्या कर रहे हैं तो मैं यहीं से देख लेती हूं और कॉल भी लगाती हूं कि आप क्या कर रहे हो बताइए, और मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। चीनू आ चुका है, अभी इसका मन नहीं मान रहा था इसलिए उसको घुमाने के लिए बाहर लिया है, जब वहां तक घुमा लाओ उसको। चीनू को घूमना बहुत पसंद है और उसके भाई के साथ तो मस्ती करना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। खेतों में हरे हरे घास दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है।
चिनू सबको राधे राधे बोल दो बेटा। राधे राधे चिनू, राधे राधे।